सब तो पहला तो मेरे वालों सारियां नूं जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। तो मैं अज असी माता कलसा सिलाई फ्री सिलाई सेंटर दे ओनर जिहड़े आ श्री अवतार सिंह जी हीर, तो उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्हां दे सहयोग दे नाल ही ये सारा सिलाई सेंटर जो है चल रहा है। तो उन्हां दी अगवाई करते हुए भी राम सिंह जी ते मैडम पूनम जी ते मैडम शबनम जी, इन्हां दे आपसी तालमेल के नाल ये सिलाई सेंटर जिहड़ा आ बहुत ही वधिया तरीके नाल चल रहा है। तो इसका पहला सैशन जो है वो खत्म हो गया 6 महीने का, तो उस दे दौरान ये सर्टिफिकेट बच्चों को दिए गए आ, तो अज तो नवा सैशन जो है वो शुरू होया है। तो मैं उम्मीद करती हाँ कि जो नवे बच्चे आ वो भी पहले बच्चों की तरह लगन के नाल अपना जो काम है सीखेंगे, तो अपने आप को प्रिपेयर करके इस सहयोग देंगे सारे आपस में। तो ये जिहड़ी स्वै रोजगार इनू कहिंदे आ, जदों असीं अपना काम सीख के अपने घर नूं चलाने आ जां अपने लई करते आ तां असीं इस नूं बहुत ही वधिया तरीके दे नाल अपने घर नूं चला सकते हाँ, अपने बच्चों को अच्छी सिक्ख्या दे सकते हाँ। तो मैं इन्ना कुछ कहती हुई ये सारिया का धन्यवाद करती हाँ। तो असी गुरद्वारा कमेटी की प्रबंधक कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय गुरुदेव जी। सिलाई सेंटर के मंच समारोह पहुंचे सत्कारयोग ग्रेट समार इंटरनेशनल संस्था श्री गुरु रविदास कम्युनिटी दोहा कतर के प्रधान श्री टेक चंद जी, श्री विनोद बसन काकी पिंड तो, श्री गुरु रविदास अमृतवाणी धाम के इंचार्ज ने शायद अमृतवाणी सेवा सोसायटी रजिस्टर्ड बाबा अमरजीत कुमार रविदास जी उन्होंने पहुंचे, उन्होंने सारे साथी साहबान सेवा मिशन फतेह के मैडम श्रीमती शीला जी उन्होंने नाल आई सारिया मेरिया सत्कारयोग भैन, तो मैडम श्रीमती पूनम जी ते बाकी सारे पतवंते सज्जना का नगर निवासियों का प्रधान श्री मगर राम जी का श्री गुरु रविदास कमेटी धनवाली का मैं सारे का श्री राम सिंह दकोहा भाजी वालों धन्यवाद कर दूँ इतने पहुँचने। अज का जोड़ा एक प्रोग्राम हो रहा जिदा कि भाजी ने दसिया ही है श्री अवतार सिंह यूके जोड़े बैठे है सारा उन्होंने वालों ही हो रहा है। जो उन्होंने वालों किए कामों आप चानना पाइए तो उन्होंने तुम सारे शायद भली भांत जानते होंगे कि उन्होंने करोना काल के घर घर के लोगों को राशन पहुँचाया, तो होर भी आर्थिक तौर पर वो सारे की मदद करते रहते हैं टाइम टाइम से सारे की हेल्प करते हैं। तो मैं तो मतलब उन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ कि मैं उन्होंने जानती नहीं हाँ, लेकिन उन्होंने किए कामों देखद्या इदा लगता कि जो विदेश की धरती से भी अपने लोगों जुड़े हुए हैं तो बहुत माण वाली गल है अपने सारे वास्ते। तो पिछले कुछ समय तो उन्होंने मतलब यही अपना विचार बनाया जिदा कि भाजी उन्होंने दसाया कि उन्होंने लड़कियों को फ्री सिलाई सेंटर इतने सामने वाले शुरू होकर दिता, उन्होंने मेन मोटिव यही था कि साढ़े जो बच्चियों को रोजगार मिले तो उन्होंने बाहर गुरुद्वारे जो जाना चाहता है जो गरीब परिवार के रूप में आया वो अपने घर आ जाए कि अपना काम कर सकन, पर जिदा भाजी ने दसा कि उन्होंने अपने वालों पैसे भी दिते हैं काफ़ी फंड भी आया कि तुम अपना बुटीक खोलो। तो मैं थोड़े देर पहले ही मैं कुड़ियों का रबता कायम करती रही हूँ कि मैं क्या तुम क्यों जी बुटीक खोल रही हाँ, कहनिया नहीं सबू घर बैठी हम बस थोड़ा बहुत काम मिल जाता है। मेरे हिसाब से तो थोड़े बहुत काम ले ही मतलब डिपेंड नहीं रहना चाहिए, जे इदा के समाज सेवी अवतार श्री अवतार सिंह यूके वर्गे समाज सेवी अपने नाल खड़े आ तो आप भी उन्होंने पूरा मतलब सहयोग देना चाहिए है, अपना कोई काम खोलो तुम बुटीक खोलो ते 10 जन 20 जन होर रोजगार मिल सकता है। तो इतने मैं भाजी के दसा मुताबक उन्होंने दसा कि एक निकी जी सूई तो लैके सिलाई मशीन तक का सारा खर्चा जो भी अच्छा। जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव जी। सब तो पहला मैं राम सिंह जी का और जेड़े यूके तो अवतार सिंह जी हीर सेंटर नू चला रहे हैं मैं उन्हों का बहुत ही धन्यवाद करती हाँ, क्योंकि उन्होंने ये गल सोची
कि जेड़े साढ़े गरीब बच्चे आ कुछ नहीं कर सकते साड़िया बच्चिया पिछे ना रह जान वो काम करन अपने हाथ दे विच हुनर लैन ते अपना जड़ा जीवन आ उनू सही ढंग ना गुजार सकन जदों साड़िया बच्चिया अपने पैरां ते खड़िया हो के आप काम करनगियां ते अगे जाके अपने बच्चों नू भी बहुत ज़्यादा लायक बनाउणगियां पढ़ाउणगियां उन्हां दे मन च यह इच्छा पैदा होगी कि असी भी अपने बच्चों दूजिया की तरह उच्चा करिए जे साडे बच्चे उच्चे होणगे साडा समाज उच्चा होगा साडा समाज उच्चा होगा ते साडा देश भी उच्चा होगा। इस करके एक लड़की नू बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के काम करना चाहिए उन्होंने हर हुनर अपने हाथ में लैन की तमन्ना होनी चाहिए कि असी आ भी काम करिए आ भी काम करिए क्योंकि एक लड़की को बहुत सारे काम होने चाहिए उन्होंने अपने घर को चलाना है अपने बच्चों को अगे बढ़ाना है। मैं बहुत कुछ ना कहती रही मेरे राम सिंह जी ने मैडम जी ने तुहानू बहुत गल्लां दसियां उन्हां सारिआं ते अमल करना और आपस में सहयोग नाल मिलजुल के रहना और जिहड़ा तुसीं काम सीखना इहनू बड़ी लगन दे नाल सीखना तां कि तुसीं अगे वध सको। जय गुरदेव जी धन गुरदेव जय गुरदेव धन गुरदेव। मैं माता कलसा जी फ्री साइज सिलाई सेंटर तो 6 महीनों का कोर्स करके पूरा किया है जो कि मैं घर बैठ के भी अपना कोई भी सिलाई का कोई भी काम करके अपना रुजगार कर सकती हाँ। मैं अवतार सिंह ही यूके वाले का बहुत तह दिलों धन्यवाद करती हाँ और मेरी होर भी जी टीम मैंबर है मेरे राम सिंह सर और पूना मैम और जसप्रीत कौर मैम उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने मैं इतने तक लिया और सिलाई सिखाई है। जय गुरदेव धन गुरदेव धन गुरदेव। माता कलसा जी फ्री सिलाई सेंटर जो कि पिंड धनोवाली में खोलिया गया है असी इतों 6 महीने का डिप्लोमा किया है स्टिचिंग का असी बहुत खुश हैं क्योंकि सानू कुछ नहीं आता सी 6 महीनों के डिप्लोमे में असी बहुत कुछ सीखा भी है बहुत कुछ दूजे नू सिखाया भी है तो सानू बहुत खुशी हो रही है कि असी पिंड धनोवाली माता कलसा जी फ्री सिलाई सेंटर वालों ये डिप्लोमा पूरा किया 6 महीनों के असी इन चीज़ा सीखिया कि असी हुण घर बैठे कुछ भी सी सकते हाँ असी रोज़गार एक किस्म का साढ़े लिए असी घर बैठे किसी सूट स्टिच करके दें तो सानू कुछ पैसे मिलेंगे जिन्हें असी अपना घर भी चला सकते सानू बहुत खुशी हो रही है कि असी माता कलसा जी फ्री सिलाई सेंटर वालों ये काम सीखिया तो श्री अवतार सिंह हीर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पिंड धनोवाली में यह सेंटर खोलिया तो साढ़े राम सिंह सर जी का तो जसवीर मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव धन्यवाद।